नमस्कार, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे ड्रग एंटागोनिस्ट के बारे में। इसके पिछले वीडियो में जाना था कि एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं और इनवर्स एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर जो एंटागोनिस्ट टॉपिक है उस एंटागोनिस्ट में दो एंटागोनिस्ट स्टडी करनी है। एक का नाम दिया गया कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट और दूसरा नाम दिया गया नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। इस कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट और नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट को समझने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि ड्रग एंटागोनिस्ट में होता क्या है, ड्रग एंटागोनिस्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। जब ड्रग एंटागोनिस्ट डिफाइन करना बहुत आसान है कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन ड्रग अपोज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द अनदर ड्रग इज कॉल्ड द ड्रग एंटागोनिज्म। हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द वन ड्रग एबॉलिश द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द अनदर ड्रग इज कॉल्ड द ड्रग एंटागोनिज्म। अब ये जो ड्रग एंटागोनिज्म है, ये या जो एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट और बॉडी के अंदर जो फंक्शन करती है उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को लोग फोर ग्रुप्स में या फोर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द एंटागोनिस्ट एट द रिसेप्टर लेवल, सेकंड वन इज द एंटागोनिस्ट एट द एंजाइम लेवल, थर्ड वन इज द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट एंड फोर्थ वन इज द फिजियोकेमिकल एंटागोनिस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, एंटागोनिस्ट एट द रिसेप्टर लेवल, एंटागोनिस्ट एट द एंजाइम लेवल, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट एंड द फिजियोकेमिकल एंटागोनिस्ट। इसमें से सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट टू है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट एट द रिसेप्टर लेवल एंड एंटागोनिस्ट एट द एंजाइम लेवल। ये दो तरह से हो सकती है, एक का नाम दे सकते हैं कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट और दूसरा नाम देंगे नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। अभी जो कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट है नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट है, इसको जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। हम इनसे एंटागोनिस्ट एंटागोनिज्म एट द रिसेप्टर लेवल को जानना हो तो हम एंटागोनिज्म एट द रिसेप्टर लेवल को कैसे डिफाइन करेंगे। जो एंटागोनिस्ट एट द रिसेप्टर लेवल होगा उसमें क्या होगा कि जो एंटागोनिस्ट होगा, एंटागोनिस्ट की एफिनिटी होगी रिसेप्टर के साथ है, लेकिन वो एंटागोनिस्ट है अपनी इंट्रिंसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। और उसके साथ साथ कि जो एंटागोनिस्ट है वो रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर ले रही है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर ले रही है, तो नतीजा क्या होगा कि जो एगोनिस्ट होगा एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा और एगोनिस्ट अपना रिसेप्टर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इस तरह से जो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होंगे वो एगोनिस्ट के एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे या उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। दूसरा वर्ड हमारा है एंटागोनिस्ट एट द एंजाइम लेवल। क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स होती हैं, उस एंजाइम के साथ हमारे बॉडी के अंदर जो भी लिजेंड्स है या जो भी एक्सोजीनियस या एंडोजीनियस लिजेंड्स होंगे वो एंजाइम से रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एंटागोनिस्ट होगा वो एंटागोनिस्ट उस एंजाइम के साथ कंबाइन कर लेगा और जब एंजाइम के साथ कंबाइन कर लेगा तो एंजाइम विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द एगोनिस्ट और एगोनिस्ट अवेलेबल नहीं होंगी। उसका नतीजा क्या होगा कि एगोनिस्ट अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा कि जो एंटागोनिस्ट होगी वो एगोनिस्ट की एक्टिविटी को ब्लॉक करती है। थर्ड वन इज द फिजियोकेमिकल एंटागोनिस्ट। फिजियोकेमिकल एंटागोनिस्ट का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज करें कोई पर्सन सफरिंग फ्रॉम द एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया मींस कि एब्सेंस ऑफ एसिड इन द स्टमक है और हम उसे एसिडिक ड्रग या कुछ ऐसा उसको एसिड दे रहे हैं जिससे कि उसकी उसकी एक्लोरहाइड्रिया को हम ठीक कर सके। लेकिन उसी के साथ साथ हम सपोज करें बॉडी के अंदर एंटासिड भी इंट्रोड्यूस कर दिया, बॉडी के अंदर एंटासिड को भी एडमिनिस्टर कर दिया गया। अब क्या होगा, जो एंटासिड होगा वो एसिड को या एसिडिक ड्रग को न्यूट्रलाइज कर देगा और जो ड्रग होगा अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो इसे कहेंगे इट इज द फिजियोकेमिकल एंटागोनिस्ट। और लास्ट वन इज द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट का बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे सपोज करें कि हमारे बॉडी के अंदर हिस्टामिन रिलीज हो गई। हिस्टामिन कैसे रिलीज हो, सपोज करें कोई बी स्टिंग हो गई, किसी बी ने हमें डंक लिया और दूस डंक के साथ बॉडी के अंदर हिस्टामिन सिक्रेट हो गया, हिस्टामिन रिलीज हो गई। उस हिस्टामिन रिलीज होने से क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर वो ब्रोंकोस्पाज्म प्रोड्यूस करती है। कि फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म है इसमें क्या होगा कि दो ड्रग है और दोनों ड्रग एक दूसरे के अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस कर रही है लेकिन अलग अलग साइट पे। दोनों का जो साइट ऑफ एक्शन होगा वो अलग होगा लेकिन जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो चलो कहेंगे इट इज द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। उस एग्जांपल हमारे पास जैसे हिस्टामिन है, हिस्टामिन हमारी बॉडी के अंदर किसी कारण से इंट्रोड्यूस हो गया, किसी कारण से सिक्रेट हो गई, तो हिस्टामिन क्या करेगा कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म प्रोड्यूस करेगा। हिस्टामिन के बहुत सारे इफेक्ट है, उनमें से एक इफेक्ट है ब्रोंकोस्पाज्म। और वही साथ साथ हमने बॉडी में कहीं से बाहर से एड्रेनलिन दे दी। एड्रेनलिन क्या होगा, वो किसी दूसरे साइड पे अपना एक्ट प्रोड्यूस करेगा और एक्ट प्रोड्यूस करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज द ब्रोंको डायलेटर। मींस कि हमारे बॉडी के अंदर हिस्टामिन है, हमारे बॉडी के अंदर हिस्टामिन है, हमने एड्रेनलिन दे दी, तो वो क्या होगा एड्रेनलिन हिस्टामिन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, एंटागोनाइज कर रहा है। या हम कह सकते हैं जो हिस्टामिन होगा वो एड्रेनलिन के इफेक्ट को एंटागोनाइज कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे इट इज द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। अब
अपने मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग कि जो एंटागोनिस्ट है, जो ड्रग एंटागोनिज्म है, उसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम देंगे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म और दूसरे का नाम देंगे नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एंड द नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म मतलब क्या हो गया कि जो एंटागोनिस्ट है और जो एगोनिस्ट है, उसमें से ड्रग मतलब दो ड्रग है, एक एंटागोनिस्ट है और दूसरा क्या है एगोनिस्ट है, वो दोनों ड्रग किसी एक रिसेप्टर के लिए या किसी एक एंजाइम के लिए आपस में कंपीट करेंगे, और जो कंपीट करेगा वो रिसेप्टर से या एंजाइम के साथ कंबाइन कर लेगा, और जब वहां से वो कंबाइन कर लेगा तो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो कंपटीशन हो रही है या जो जो कॉम्बिनेशन हो रही है, जो कंबाइन कर हमारा एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट रिसेप्टर से या एंजाइम से, वो जो कॉम्बिनेशन है इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, मींस कि एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट एंजाइम से कंबाइन नहीं कर सकता और फिर उनसे वो सेपरेट भी हो सकता है। और मतलब क्या हो गया कि वो रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर मींस कि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसके अनुसार उनका वहां की सिचुएशन वो चेंज होता रहेगा, इसीलिए लोग कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट का दूसरा नाम देते हैं, दैट इज द रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। और इसी का यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेंगे, तो हम इसका तीसरा नाम दे सकते हैं इक्विलिब्रियम एंटागोनिस्ट। मींस जो कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट उसके तीन नाम हो गए, कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट, रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट एंड इक्विलिब्रियम एंटागोनिस्ट। अब ये जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है उसमें क्या होगा कि जिसका ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यदि एंटागोनिस्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एगोनिस्ट के इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और यदि एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एंटागोनिस्ट अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से दोनों दूसरे अपोज एक्शन करते रहेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि जो एंटागोनिस्ट है और एगोनिस्ट है, तो यदि मान लीजिए हमने कहीं पे एंटागोनिस्ट का बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई, तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा कि एगोनिस्ट के डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा। मीन्स यदि हमें एगोनिस्ट के डोज को इफेक्ट को प्रोड्यूस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एंटागोनिस्ट, तो हमें एगोनिस्ट के डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा। मीन्स प्रेजेंस ऑफ एंटागोनिस्ट विल रिक्वायर टू इंक्रीज द डोज ऑफ एगोनिस्ट टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारे इस कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट दो प्रॉपर्टी हो गए, एक प्रॉपर्टी क्या हो गया हम लोग अभी हम जानेंगे कि एंटागोनिस्ट विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ डोज ऑफ द एगोनिस्ट टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। और दूसरा हो गया कि जो इनकी जो रेशियो होगी, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट रेशियो होगी, उनका जो इफेक्ट होगा इट विल बी द लीनियर फंक्शन। मींस हम एक डोज को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे के डोज के इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उसके डोज को भी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, और इस तरह से इनकी जो डोज होगी या इनकी जो अमाउंट होगी वो इंक्रीज होती चली जाएंगी और वो अपने एंटागोनिस्ट इफेक्ट को प्रोड्यूस करता रहेगा। अब जो कोई भी जो एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट की जो पोटेंशियल मेजर करनी है, उसके पोटेंशियल को मेजर करने के लिए एक यूनिट दी गई है, उसको कहते हैं PA2, कैपिटल P कैपिटल A 2, PA2। PA2 क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्ट दैट इंक्रीजेस द डोज ऑफ एगोनिस्ट जस्ट डबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इफेक्ट या टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। मींस एंटागोनिस्ट का वो अमाउंट जो अमाउंट एगोनिस्ट के डोज को डबल करने की आवश्यकता पड़ रही है हमें एगोनिस्ट के इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उस अमाउंट या उस वैल्यू को क्या नाम देंगे, इट इज द PA2। क्लियर बात ये क्या हो गया हमारे, दैट इज द PA2। अब इसी को हम लोग अपने ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारी रिस्पॉन्स है और ये हमारी डोज है। हमने एगोनिस्ट ड्रग दिया, एगोनिस्ट ड्रग देने से क्या होगा कि जैसे जैसे हम डोज इंक्रीज करेंगे इसकी जो रिस्पॉन्स होगी रिस्पॉन्स इसकी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन सपोज करें कि हमने अब इसके साथ एंटागोनिस्ट ऐड कर दिया, जब हम एंटागोनिस्ट ऐड करेंगे तो ये जो कर्व है ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करेगी। कर्व क्या हो गया, कर्व की शिफ्ट करी है कर्व टुवर्ड्स द राइट, मीन कि जैसे जैसे हम एंटागोनिस्ट के अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये कर्व राइट को शिफ्ट होती चली जाएगी। मतलब क्या हुआ कि इन प्रेजेंस ऑफ एंटागोनिस्ट हमें एगोनिस्ट के डोज को इंक्रीज करना होता है। तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट और इक्विलिब्रियम एंटागोनिस्ट। और दूसरा वर्ड है, मतलब जो दूसरी
एंटागोनिज्म है, दैट इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में क्या होगा कि जो ड्रग होगा वो ड्रग है या जो एंटागोनिस्ट होगी वो एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के साथ या एंजाइम के साथ बॉन्ड होगी और वहां पे एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, जो कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा रिसेप्टर और एंटागोनिस्ट दोनों आपस में कंबाइन होंगे। अब जब ये कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में कंबाइन होंगे तो जो कॉम्बिनेशन होगा बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, काफी ज्यादा समय तक आपस में दूसरे कंबाइन रहेंगे। या ये भी हो सकता है कि ये इरिवर्सिबल कंबाइन हो गई, जब फिर वो सेपरेट एक दूसरे से नहीं होंगी, तब हम इस तरह की जो एंटागोनिज्म होगा उसको क्या नाम देंगे, इट इज द नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कैसे होगा थोड़ा सा और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। सपोज करें कि एक रिसेप्टर है और एगोनिस्ट यहां पे आके इसे कंबाइन होकर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारे पास एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट भी इसे आकर कंबाइन कर रहा है, लेकिन यहां पे कंपटीशन नहीं है। यदि ये एंटागोनिस्ट यहां पे कंबाइन कर लिया तो कंबाइन करने के बाद ये कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाएगा, और जब कोवेलेंट रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पे जो कॉम्बिनेशन होगा काफी लंबे समय तक वो कॉम्बिनेशन रहेगा, या हो सकता है वो कभी अलग अलग ही ना हो। इस कंडीशन में एगोनिस्ट अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। हम लोगों ने कंपटीशन क्या देखा था कि यदि एगोनिस्ट का डोज को इंक्रीज कर दे तो एगोनिस्ट अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि हम कितना भी डोज को इंक्रीज करेंगे लेकिन वहां पे एगोनिस्ट अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो हम इसे क्या कहेंगे, इट इज ए नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। और चूंकि यहां पे जो कॉम्बिनेशन हो रही है वो एक दूसरे सेपरेट नहीं हो रही है, इसे हम कहेंगे इट इज ए इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट या एंटागोनिज्म है। और लास्ट क्या हो गया कि वहां पे क्या था, वहां पे इक्विलिब्रियम हो रही थी, मींस कि जो ड्रग जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी वो ड्रग रिसेप्टर साथ कंबाइन हो जाता, वहां पे जो रिएक्शंस थी वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहती थी, लेकिन यहां पे क्या होगा कि कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रही है, कोई ड्रग कंबाइन हो गए तो रिसेप्टर परमानेंटली ऑक्यूपाइड हो गए, परमानेंटली वो ब्लॉक कर दिए गए, किसके लिए, एगोनिस्ट के लिए, मींस यहां पे कोई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए हम इसका क्या नाम देंगे, इट इज द नॉन इक्विलिब्रियम एंटागोनिज्म। तो तीन नाम हो गया, पहला नाम हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव, दूसरा हो गया इरिवर्सिबल, और तीसरा क्या हो गया, नॉन इक्विलिब्रियम एंटागोनिज्म। अब इसे भी इस नॉन इक्विलिब्रियम एंटागोनिज्म को या नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म को या इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म को भी ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें कि एक यहां पे हमने हमारी जो है हमारी जो ग्राफ है मिडिल वाली, फर्स्ट क्या हो गई हमारी, ये हमारी एंटागोनिस्ट की हो गई। दूसरा क्या हो गया कि आफ्टर एडिशन ऑफ द एंटागोनिस्ट, हमने एंटागोनिस्ट को ऐड किया तो ये जो कॉम्पिटिटिव में ये यहाँ शिफ्ट हो गया, लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव देते हैं तो ये यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी उन्होंने क्या कहा कि एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के साथ कंबाइन कर लेगा, और जब कंबाइन कर लेगा तो जो एंटागोनिस्ट होगा वो इससे कॉम्बिनेशन इसकी नहीं होगी, और जब नहीं होगी तो एंटागोनिस्ट अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम इस ग्राफ को देख रहे हैं तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एंटागोनिस्ट जो है वो अपना यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है जैसे हम जब डोज बढ़ा रहे हैं वो रिस्पॉन्स थोड़ा सा बढ़ रहा है, और ये यहाँ पे आके लीनियर हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतना रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, मीन्स ये इतना ही इसका रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है कि वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाए। अब प्रश्न ये है कि ये इफेक्ट भी कैसे प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि जो रिसेप्टर था रिसेप्टर ने तो एंटागोनिस्ट ने रिसेप्टर को कंबाइन कर लिया, और जो रिसेप्टर कंबाइन कर लिया तो रिसेप्टर हो या एंजाइम हो एगोनिस्ट अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल नहीं है तो फिर स्मॉल अमाउंट भी, लेकिन ये रिस्पॉन्स आई कैसे, होता क्या है कि जब बॉडी के अंदर एंटागोनिस्ट एंटर करती है तो बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें से रिसेप्टर्स जो होगा वो एंटागोनिस्ट को कंबाइन कर ली जाएंगे, लेकिन कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होंगे जो अनऑक्यूपाइड रहेंगे, और जो अनऑक्यूपाइड रहेंगे वहां पे एगोनिस्ट आके कंबाइन कर लेगा और अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो इतना ज्यादा अमाउंट उसका नहीं होगा, उस फिजियोलॉजिकल इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी कि वो थेरापेटिक इफेक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। इसलिए जो हमारे जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होगा वहां पर ये इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये इफेक्ट होगा बहुत कम होगा, जिससे कि थेरापेटिक वैल्यू या थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हमारे इसके बाद दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह हमने जान लिया कि दिस इज द नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो आज हमने डिस्कस कर लिया कि ड्रग एंटागोनिज्म क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म क्या होता है, और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म क्या होता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर लेकर स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी का। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।